बिहार विधानसभा के नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी इन दिनों सिवान में हैं। सिवान की बात हो तो पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन या उनके परिवार का जिक्र हो ही जाता है। पूर्व सांसद साहबुद्दीन के निधन के बाद उनकी पत्नी हीना साहब के राजद में भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीते दिनों खुद हीना साहब ने ही इस सस्पेंस को हवा दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी किसी पार्टी में नहीं है। अब पहली बार अवध बिहारी चौधरी ने इस प्रकरण पर एक अहम बयान दिया है। अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि हीना साहब को कोई पार्टी से निकाला नहीं है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत सभी उनका सम्मान करते हैं। पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को लेकर पूछे गए सवाल पर पत्रकारों से कहा कि हीना साहब को क्या किसी ने पार्टी से निकाला है, यही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जान लीजिए हीना साहब राजद में हैं, उन्हें किसी ने पार्टी से नहीं निकाला है और न ही उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बता दें कि 26 जून को पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब ने कहा था कि हम अभी किसी पार्टी में नहीं है। बयान देकर बिहार में सियासी भूचाल ला दिया था, जिससे उनकी राजद छोड़ने की अटकलों को और मजबूती मिलती दिख रही थी। जब से लालू परिवार के द्वारा हीना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उस समय से लोग कयास लगा रहे हैं कि हीना साहब अब राजद को बाय बाय करेंगी। हीना साहब ने पिछले दिनों मीडिया को बताया था कि वो अब पूरे बिहार का दौरा करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि उसके बाद कुछ बड़ा फैसला लेंगी। वैसे हीना साहब 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा। हीना ने कभी भी राज्यसभा जाने की बात पार्टी के बड़े नेताओं से नहीं की। हालांकि उनके समर्थकों ने हीना को राज्यसभा भेजने को लेकर लगातार मांग की, लेकिन लालू परिवार के तरफ से अपनी पुत्री को दोबारा राज्यसभा भेज दिया गया। इस बीच रईस खान और तेज प्रताप यादव की मुलाकात ने भी इस कयास को बल दिया कि हीना साहब से राजद ने दूरी बना ली है। दरअसल रईस खान को साहबुद्दीन परिवार का धूर विरोधी माना जाता है। सिवान में MLC प्रत्याशी रहे रईस खान ने तो साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर हमले की साजिश का भी आरोप लगाया है। वह इस मामले में FIR भी दर्ज करा चुके हैं।